हाउ टू स्टार्ट ड्रॉप सर्विसिंग फॉर योर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। इस कंप्लीट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप ड्रॉप सर्विसिंग कर सकते हो। आपने ड्रॉप शिपिंग का नाम सुना होगा, बट आजकल ये बहुत ट्रेंड में है ड्रॉप सर्विसिंग। तो कैसे आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में ड्रॉप सर्विसिंग कर सकते हैं, तो सबसे पहले इसके लिए आपको करना होगा, आपको क्लाइंट्स पहले पिच करने होंगे। क्लाइंट्स को पिच करने का मेथड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लिंक्डइन पे कैसे आपको क्लाइंट्स पिच करने हैं। तो आपके पास पहले कोई क्लाइंट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई क्लाइंट है, अब आपको ड्रॉप सर्विसिंग कैसे करना है, आप ऐसे लोगों को रीच आउट कर सकते हो जिनको वो सर्विसेज पता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई गूगल एड्स का कोई क्लाइंट है, ठीक है, और आप चाहते हो कि गूगल एड्स की जो सर्विस है आप उसको आउटसोर्स करें कहीं से, तो ड्रॉप सर्विसिंग में बेसिकली क्या होता है, जो आप सर्विस दे रहे हो उसको आप खुद नहीं आप एक्सिक्यूट करते हो, आप कहीं और से उसको आउटसोर्स कर रहे हो, ठीक है। तो उन लोगों को आप ढूंढ सकते हो फाइवर पे, अपवर्क पे, तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स है। बट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, कई बार यहाँ पे ऐसा चीज होता है कि आप लोगों को रीच आउट करते हो बट उतना अच्छा काम डिलीवर करके नहीं देते हैं। इसमें फिर आपका जो ब्रांड का नेम है या फिर जो आपका नाम है वो खराब होता है। इस केस में आपको क्या करना है, आप ऐसे नेटवर्क्स में रीच करिए, आप जाइए फेसबुक ग्रुप्स में, आप इंस्टाग्राम पे ऐसे लोगों को ढूंढिए जो गूगल एड्स में एक्सपर्ट है, जिनके पास वर्क पोर्टफोलियो है। तो ड्रॉप सर्विसिंग करने से सबसे पहले आपको ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो अपने काम में एक्सपर्ट है। अब मैं एक्सपर्ट की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप काम डिलीवर करके दोगे तो जो नेम है, जो ब्रांड नेम है, वो आपका है, आप दिख रहे हो, तो क्लाइंट को क्या लग रहा है आप सब कुछ एक्सिक्यूट कर रहे हो, तो उसी के बेस पे आपको और आगे प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं। तो आप ऐसे लोगों से ही काम करवाइए जिनको अपना काम सच में बहुत अच्छे से आता हो। आप ऐसे लोगों को इंस्टाग्राम से ढूंढिए, इंस्टाग्राम पे जाइए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गूगल एड्स में एक्सपर्ट हैं, जो फेसबुक एड्स में, फनल्स में, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट हैं। आप ऐसे लोगों को इंस्टाग्राम से ढूंढिए और उनके साथ अच्छे आप रिलेशनशिप्स बिल्डअप करिए, आप रिलेशनशिप बिल्ड करिए। और रिलेशनशिप बिल्ड करने की मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपके पास और भी प्रोजेक्ट आते रहेंगे, आप उनसे करा सकते हो। और कई बार ऐसा भी होता है पेमेंट डिलेज होती है क्लाइंट की तरफ से, तो अगर आपका एक अच्छा रिलेशन है तो क्या होता है कई बार सामने वाला बंदा भी होता है जो जहाँ से आप आउटसोर्स कर रहे हो वो भी समझता है कि अभी आपकी पेमेंट नहीं आई, तो वो भी वेट करता है अगर आपके अच्छे रिलेशन है। तो उसमें क्या कर सकते हो, आप बढ़िया कोई बंदा आप ढूंढो हर सर्विस के लिए, और फेसबुक एड्स के लिए, गूगल एड्स के लिए, ग्राफिक डिज़ाइन के लिए आपके पास एटलीस्ट एक से दो लोग होने चाहिए हर सर्विस के लिए। अब दो लोग क्यों, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कभी क्या होगा कि एक लोग आप काम करा रहे हो वो बिजी है, उसके यहाँ कोई इमरजेंसी आ गई, तो आपके साथ आपके पास और भी लोग होने चाहिए। अब यहाँ पे मैं थोड़ा जो ट्रेडिशनल ड्रॉप शिपिंग है उससे मैं हटके चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ पे बेसिकली जो आप काम भी आउटसोर्स कर रहे हो आप ऐसे लोगों से कर रहे हो जिनको आप जान चुके हो या फिर आपके हिसाब से अब टीम बन चुकी है वो, ठीक है। तो क्योंकि ट्रेडिशनल ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आप अगर कहीं से भी आउटसोर्स कर ले रहे हो, अगर आप फाइवर से, इधर से उधर से, तो कई बार ना जो प्रोजेक्ट की क्वालिटी होती है, जो क्वालिटी ऑफ वर्क होता है वो खराब हो जाता है। आपको नहीं पता सामने वाला काम कैसा कर रहा है, सामने वाला टाइम पे डिलीवर करेगा या नहीं करेगा, तो कई बार उससे ना काम खराब हो जाता है। तो इस चीज़ को मैं इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप पहले से ऐसे लोगों को अपने पास जोड़ के रखिए, ऐसे लोगों को ढूंढ के रखिए जो अपने काम में एक्सपर्ट हों। और आपके पास अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आप प्रमोट कर रहे हो, आप एक एजेंसी ओनर हो, तो आपके पास सारे ऐसे लोग होने चाहिए जो फनल्स में, ग्राफिक्स में एक्सपर्ट हो, वीडियो एडिटिंग में एक्सपर्ट हो। जब प्रोजेक्ट आपके पास आ जाए तो आप उनको दे सकते हो, आप उनको कमीशन बेसिस पे दे सकते हो कि इतना आप एक प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट ले लीजिए और जो आपका 30% 40% 50% आप चार्ज करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो आप पर प्रोजेक्ट भी दे सकते हो, फ्यूचर में अगर आप ज़्यादा प्रोजेक्ट देने लगते हो तो फिर आपको बेस्ट रेट्स भी मिल जाते हैं। कई बार लोग फिर 30% 35% पर भी काम कर लेते हैं क्योंकि जब आप ज़्यादा प्रोजेक्ट्स उनको दे रहे हो। तो इस तरह से आप ड्रॉप सर्विसिंग स्टार्ट कर सकते हो इंडिया में। और अगर आपके पास कोई भी बाहर से प्रोजेक्ट आ रहा है, इंडिया से आ रहा है, इंडिया के बाहर से आ रहा है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स का आ रहा है, तो आप टीम के साथ आप अपनी टीम बिल्डअप करके जो कि आपकी ऑनलाइन टीम होगी, और आप वहाँ से अपने प्रोजेक्ट्स को आउटसोर्स कर सकते हो। तो इस तरह से आप ड्रॉप शिपिंग करके बहुत ही ईजिली महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए कमा सकते हो अगर पास 4 से 5 रिटेनर क्लाइंट्स हो जाते हैं तो। सो इस चीज़ को मैंने स्टार्टिंग में किया है, अभी तो मेरी खुद की स्टाफ हो चुका है, मेरी खुद की टीम हो चुकी है, बट स्टार्टिंग में मैंने
हाँ, मैंने ड्रॉप शिपिंग से, ड्रॉप सर्विसिंग से ही स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें मैं आउटसोर्स करता था, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सब सब बहुत सी चीज़ें मैं आउटसोर्स किया करता था। बट जैसे जैसे भी काम बढ़ा है तो मैंने तो इन हाउस कर लिया। बट आप भी कर सकते हो। बहुत से मेरे लोग जैसे जानने में जो आज भी ड्रॉप सर्विसिंग कर रहे हैं और वो मेरे से 10 times ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं। सो कैन यू इमेजिन कि इस ड्रॉप सर्विसिंग में कितना पोटेंशियल है। सो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है या फिर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आई है, कुछ सजेशन है, फीडबैक है, आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट में बताइएगा। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।